पाकिस्तान की कौमी बीमारी कौन सी? बुखार, सर दर्द हो गया, और कोरोना हो गया, पेचस हो गया, थरक हो गया। थरक बीमारी है? वो भी एक बीमारी है ना। तुसी मैंने दसो पाकिस्तान का कौमी रस केड़ा? केक रस हो गया, आम का रस हो गया, सेब रस हो गया, अनार रस हो गया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या है? मेरा नाम आसिम है। करदे की हो तुसी? स्टडी करते हूं। स्टडी करते हूं? पक्की गल है? अच्छा, तोड़े को कॉमन सेंस सवाल पूछने। पूछो जी। तुसी मेनू ए दसो के पाकिस्तान दी कौमी बीमारी कौन सी है? बुखार। और सर दर्द हो गया, और कोरोना हो गया, और थरक हो गया। थरक बीमारी है? वो भी एक बीमारी है ना। आज आप करते हो? आप करते हो? नहीं, मैं तो नहीं करता, वैसे लोगों को देखता हूँ ना। अच्छा। इसके अलावा फिर आपने लोगों से कुछ सीखा नहीं है थरक करते हुए कि मैं भी कभी थरक वरक? नहीं नहीं, लोगों को देखता हूँ ना वैसे मूड, फिर खुद नहीं देखते? नहीं, खुद भी देखता हूँ वैसे, इतना ये नहीं कि हम नहीं है ना, शरीफ नहीं है ना इतना। अच्छा, बीमारी की तरफ आ जाओ, वापस वापस बीमारी की तरफ आ जाओ। ठीक है, बीमारी यानी कि पेचस हो गया। अच्छा, इसके अलावा? इसके अलावा कुछ आदमियों को दौरे भी पड़ते हैं। हाँ, ये तो कुछ आदमियों को पड़ते हैं ना, सबको तो नहीं पड़ते ना। सब सोची पिया ते बंदा गया? नहीं, सोची नहीं पिया बंदा गया, और भी सारी बीमारियां हैं, उल्टी वगैरह के आ जाना। के क्या होती है? उल्टी होती है ना, ज्यादा बंदा उल्टी कैसे होती है? उल्टी कैसे होती है? जब इंसान ज्यादा खा ले ना, फिर वो अंदर से बाहर ही आने होती है, और की है। ये कौमी बीमारी है? कौमी बीमारी बन गई है ना अब आजकल, बड़े बड़े लोग वो जाते हैं होटलों पे खा खा के फिर उल्टी कर देना। तो आप क्या कहते हैं, वो ना खाए? आप क्या कहते हैं, वो खाए ना? खाए तो सही ना, फिर मुनासिब तरीके से खाए ना। चलो जी, लेकिन फिर भी मेरा सवाल यही है कि पाकिस्तान की कौमी बीमारी केड़ी है? सही जवाब दे दो। कोरोना हो गई। ठीक हो गया जी? सर दर्द हो गई। तुसी रिपीट ते लगे हो, रिपोर्ट हो? नहीं, रिपीट के नहीं, यानी कि हर आदमी आज टेंशन में है ना, पाकिस्तान में तो लोग बहुत ज्यादा ही टेंशन में है ना, फिर सर सर दर्द होती है, ये भी एक बीमारी है ना। आपको कौन सी? मुझे तो बहुत बड़ी बीमारी है ना। अल्लाह अल्लाह, बताओ बताओ कौन सी बीमारी? मुझे तो इश्क की बीमारी तो नहीं है? जी जी, इश्क की बीमारी है। पक्की बात है? पक्की बात है, पक्की बात। पढ़े किन्नी हो तुसी? जमातें किन्नियां पढ़ियां? मैट्रिक किया। जी जी, मैट्रिक किया, यानी कि जाते थे ना, जाना जाते थे लेकिन जाते नहीं थे, जाना फिर आना। ब्रेक ब्रेक जा ब्रेक होना, छलांग लगानी, बाहर चले जाना। हाँ हाँ, फिर जब सुबह जाना, उस्ताद डंडा मारता, फिर हाँ फिर वो स्कूल माल जाना। ये बीमारी है ना, भी बीमारी है। चलो तुसी, चलो मैं तुहाडे कोलों दूजा सवाल पुछदी हां। तुसी मैनूं ये दसो पाकिस्तान दा कौमी रस केड़ा? केक रस हो गया, आम का रस हो गया, और आम रस के अलावा सेब रस हो गया, अनार रस हो गया। अच्छा, और सोच लो। और तो बहुत से रस है ना, की आपको बताऊं? मुझे कौमी रस के बारे में बताएं, और रस को छोड़ के। स्ट्रॉबेरी का रस हो गया। बहुत पसंद है? बहुत पसंद है। कौन रस पसंद है, और कौन पसंद है? मांग के खाते हो या अपने पैसों का? ज्यादा तो फजूल खर्ची नहीं करता। हाँ हाँ, बस गुजारा, किसी से मांग लिया और कुछ खर्चा कर लिया, आप कर लिया। अच्छा, और और की सिगरेट पीते हैं? मांग के सिगरेट पीते हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ये आदत नहीं है सिगरेट पीने की। फिर कैसी आदत है? वैसे दोस्तों में तो फिर एक आध पी लेते हैं ना। अब्बू को बताते
और की। अच्छा चलो एक और सवाल पूछती हूँ, एक और पूछती हूँ। आप मुझे ये बताएं, आप बड़े होकर, अभी तो आप माशाल्लाह छोटे ना, जब आप माशाल्लाह बड़े होकर आप पाकिस्तान का नाम कैसे रोशन करोगे? बहुत एक तरीके से रोशन करेंगे ना। जबरदस्त हो गया, बत्तियां बाल के? नहीं नहीं, अंडे बेच कर, अंडे लो जी शाम को हर आदमी अद अंडे लो जी। वैसे अंडे इससे नाम कैसे रोशन होगा? नाम अंडे के ऊपर पाकिस्तान लिख के बेचोगे? नहीं, काम तो वैसे काम तो हर आदमी कहता है, करता है ना, लेकिन सही तरीके से करता रहे ना तो नाम नहीं निकलता, ठीक है ना। उस बाद जो गलत करेंदा है ना, ना वाह निकल। अच्छा हुन तुसी गलत करे सो? नवा काम ही है ना, चोर बाजारी, अंडे बाजारी। नहीं, अंडे वेच शेच लाए ना। तुसी इमरान खान दी गल ते अमल कर रहे हो कि अंडे वेचांगे ते मुल्क दी तरक्की होएगी? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे वजीर आजम है ना, वैसे अंडे बोलो फिर। आई लव यू इमरान, आई लव यू मुर्गी। आई लव यू इमरान, आई लव यू मुर्गियां। हां मुर्गियां, हां मुर्गियां नहीं, आई लव यू ना। हाँ अंडे नहीं, अंडे ना दुश्मनी तो नहीं है ना, वो ही बेचते हैं ना और उनसे भी पैसे कमाते हैं ना। हाँ